दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव कंट्रोल लिस्ट के बारे में, ACLs के बारे में। ACL क्या होती हैं ये शायद आपको पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, बट ACL क्या होती है कि शेयर फोल्डर जो हम बनाते हैं किसी भी कंप्यूटर पे या किसी सर्वर पे, शेयर फोल्डर बनाते हैं, शेयर फाइल परमिशंस देते हैं, ठीक है, शेयर फाइल परमिशंस देते हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं? ACL के थ्रू, ठीक है, ACL के थ्रू। तो हम इस वीडियो में ACL के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ACL की डेफिनेशन लिखी हुई है, ACL के थ्रू हम किसी भी शेयर होल्डर पे, ठीक है, एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि मान लो यहाँ पर एक राम है, श्याम है, ठीक है, रिया है, तीन यूजर है, ठीक है। हम चाहते हैं राम को रीड ओनली परमिशंस मिले इस शेयर होल्डर के ऊपर, ये शेयर होल्डर है, ठीक है। सिया को जो है रीड एंड राइट परमिशंस मिले श्याम को, और रिया को जो परमिशंस मिले वो फुल एडमिन मिल जाए ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जो मैनेजमेंट होता है वो थ्रू ACL होता है। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो, ACL की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। बट इसको समझने से पहले, इस चीज को समझने के लिए हमें क्या है, एक छोटी सी लैब करते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए क्या है, हम एक शेयर फोल्डर बनाते हैं, शेयर फोल्डर बनाते हैं और उस शेयर फोल्डर को हम समझते हैं। यहाँ पर एक, जैसे मैंने ये एक शेयर फोल्डर, ये एक फोल्डर है, ठीक है, HR है, ठीक है। अगर ये शेयर होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये फोल्डर हमारा नॉट शेयर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉट शेयर्ड, यहाँ पर देख सकते हो। और दूसरा क्या है, एक कमांड होती है, CMD ओपन करोगे, नेट शेयर्स लिखोगे, ठीक है। तो नेट शेयर, सॉरी, नेट शेयर में आपको यहाँ पर शेयर फोल्डर के नाम्स लिख के आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा HR करके कोई भी फोल्डर शेयर नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको जब शेयर करूंगा तो मैं इस कमांड को फिर से रन करेंगे, ठीक है। ये फोल्डर है, इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम इस फोल्डर के ऊपर अगर परमिशंस देखें तो किस किस को परमिशंस है, ठीक है। यहाँ पर दो परमिशंस है, ठीक है, एक है शेयरिंग परमिशन, दूसरी है सिक्योरिटी परमिशन, ठीक है। शेयरिंग परमिशन क्या होती है, जो हमें इस फोल्डर को शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है ताकि कोई इस कंप्यूटर के बाहर, इस कंप्यूटर, जब हम शेयर करते हैं किसी फोल्डर को तो उसका मतलब क्या होता है कि इस कंप्यूटर के बाहर हम नेटवर्क पे उस फोल्डर को शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। इस कंप्यूटर के बाहर नेटवर्क पे उस फोल्डर को शेयर करने जा रहे हैं ताकि कोई दूसरी डिवाइस इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। शेयरिंग का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर शेयरिंग पे यहाँ पे आए, दो तरीके हैं शेयर करने के लिए, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि हम इसको यहाँ पर क्लिक करें शेयर, ठीक है, और यहाँ पर जिसको आपको परमिशंस देनी है, ठीक है, आप उस बंदे को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मेरे एक्टिव डायरेक्टरी की लोकेशन आ रही है, ठीक है, ये डोमेन की लोकेशन आ रही है। अगर आपको डोमेन की लोकेशन ना देके इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की ही मतलब किसी को देना है तो वो यहाँ पर आपको दिस पीछे लिख के आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है इसलिए डोमेन का नाम लिख के आ रहा है, डोमेन का नाम लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप उस बंदे को ऐड कर सकते हो, पहला ये है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप ऐड करोगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं एडमिन को देता हूँ, एडमिन 01, ठीक है, एडमिन 01। जैसे ही आप ऐड करोगे ये, यहाँ पर आपको तीन परमिशंस दिखने लगेंगे, रीड राइट और रिमूव, ठीक है, रीड एंड राइट एंड रिमूव, ये तीन परमिशंस दिखने लगेंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर यूजर्स ऐड किए हैं, ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो यहाँ पर आप ग्रुप ऐड करिए, ठीक है। ग्रुप कैसे ऐड करना, सेम प्रोसेस है ग्रुप ऐड करने का भी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप लिखोगे ग्रुप का नाम, यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्लोबल एडमिन, एक ग्रुप ले लिया मैंने, ठीक है, सॉरी ग्लोबल एडमिन हो गई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक ग्रुप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप आ गया, ग्रुप का आइकन में देख रहे होगे आप, ग्रुप आ गया। तो ग्रुप को आपको परमिशन देनी है, जो भी आप परमिशन देना चाहते हो, ठीक है। दूसरी परमिशन क्या है, एडवांस, ठीक है। एडवांस में क्या है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें, देखिए आप यहाँ पे लिखा सेट कस्टम परमिशन, क्रिएट मल्टीपल शेयर्स एंड सेट अदर एडवांस शेयरिंग ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एडवांस लेवल्स की परमिशन मिल जाती है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे शेयर दिस फोल्डर, फोल्डर का नाम देना है, ठीक है। फोल्डर का नाम आप ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसके पीछे डॉलर लगा सकते हो, डॉलर वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसको फोल्डर को हमें हिडन करना होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप कमेंट में अगर आपको कुछ लिखना है कि पर्पस क्या है दिस फोल्डर का, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट द नंबर ऑफ द साइमल्टेनियस यूजर्स, मतलब एक साथ कितने यूजर्स इस पे कनेक्ट कर सकते हैं इस फोल्डर को। आप इसको कम भी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आप परमिशंस, जैसे ये बाय डिफॉल्ट क्या है, एवरीवन को रीड परमिशंस है, मतलब कोई भी इस फोल्डर को रीड कर सकता है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, अपने बिजनेस में काम करो, तो ये परमिशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रीड कर सके उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या है, आप इसमें ऑथेंटिकेटेड यूजर लिखोगे, ऑथेंटिकेटेड यूजर को, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूजर को आप रीड ओनली दे सकते हो, ठीक है, एवरीवन हटा दो, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद पहले लेकिन ऑथेंटिकेटेड ऐड करना, फिर एवरीवन हटाना है, ठीक है, फिर एवरीवन आपको हटाना है। अब ऑथेंटिकेटेड यूजर ऐड हो गया है। अब मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप को परमिशन देनी है, ठीक है, ग्रुप को परमिशन देनी है, और वो ग्रुप है मेरा एडी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एचआर का एक ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एचआर का एक ग्रुप बना लेता हूँ और उसको परमिशंस हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। मान लो 1,000 का मैं ग्रुप बना लेता हूँ, एचआर रीड, हाँ, ठीक है। तो आप एचआर आर करके ये हो गया फोल्डर, ठीक है, ये मैंने रीड ओनली का फोल्डर बनाया, ठीक है। तो आप इस पे कौन, रीड ओनली एचआर आर, ठीक है, आप नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने एक एग्जांपल बताया, ठीक है। एचआर आर रीड, एचआर आर का मतलब एचआर फोल्डर के ऊपर रीड ओनली परमिशन, तो मैंने रीड ओनली पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को भी हटा सकते हो आप, ठीक है। ऑथेंटिकेट, मैं नहीं चाहता कि सारे यूजर ऑथेंटिकेट करें इस फोल्डर को, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एचआर के जो मेंबर हैं वही इसको रीड कर सके, ठीक है, सिर्फ एचआर के मेंबर हैं वही इस फोल्डर को रीड कर सके, ठीक है। अब रीड करने के बाद, ठीक है, मैं चाहता हूँ एचआर का एक और ग्रुप हो जो इसको राइड भी कर सके, ठीक है, जो इसको राइड भी कर सके, तो आपको एक दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, एचआर राइड, ठीक है। तो आपने, अब इसके जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे वो यहाँ पर राइड भी कर सकते हैं, ठीक है, एचआर राइड। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज पे क्लिक किया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। अगर आपको किसी ग्रुप को ब्लॉक करना है कि उसके ऊपर कोई भी परमिशंस ना रहे, तो जैसे मैंने यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ, आप डिनाई पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, करेक्ट। तो अब क्या है, राइट वाले के पास मैंने चेंज की परमिशन दे दी, और रीड वाले के पास रीड की परमिशन है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर आप नेट शेयर ओपन करोगे तो आपको ये फोल्डर दिखने लगेगा, ठीक है, एचआर, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। ये फोल्डर यहाँ पर हमने शेयर कर दिया, ठीक है, अब ये फोल्डर दिखने लगा। अगर मैं इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेटवर्क पाथ लिख के आ रहा है, अगर आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे डालोगे तो ये नेटवर्क पाथ आ गया, ये फोल्डर मुझे इसलिए एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जो ग्रुप है जिससे मैं लॉग इन हूँ उसको रीड ओनली की परमिशन नहीं है इस फोल्डर के ऊपर, ठीक है। ये बहुत बार एरर आती होगी जब आप किसी फोल्डर को एक्सेस करते हो, तो देखिए यहाँ पर मुझे इसको एक्सेस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, जिस यूजर से मैं लॉग इन हूँ उसको मैं अगर रीड वाली में मेंबर बना देता हूँ, ठीक है, मेंबर बना देता हूँ, तब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। बट इसके लिए क्या होता है, लॉग ऑफ लॉग इन करना होता है, ठीक है, तभी ये आपकी एक्सेस काम करती है, लॉग ऑफ लॉग इन। अब जैसे मैंने अपने ग्रुप, अपना अकाउंट इस ग्रुप में ऐड किया, तो मुझे एक बार लॉग ऑफ और लॉग इन करना पड़ेगा, तब मेरी ये एक्सेस काम करेंगी, ठीक है, इफेक्टिवली तभी काम करती है, बट एक बार तब भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये एरर आ रही है, जब मैं लॉग ऑफ लॉग इन करूंगा तभी हम फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम फोल्डर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी परमिशंस क्या होते हैं, सिक्योरिटी परमिशन, इनको हम NTFS परमिशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये जो परमिशंस है, ये मैं जो फोल्डर को रीच कर रहा था, अभी आपको डबल स्लैश करके ये दिखाया ना, इस फोल्डर को मैं रीच करने के लिए, ठीक है, रीच करने के लिए भी आपको दो परमिशंस, तीन परमिशंस होती हैं यहाँ पर, रीड राइट और फुल, ठीक है। तो ये जो जो मैं रीच करने जा रहा हूँ यहाँ तक, ये शेयरिंग परमिशन की वजह से कर पा रहा हूँ, ठीक है, शेयरिंग परमिशन की वजह से यहाँ तक, ठीक है।
अब सिक्योरिटी परमिशंस क्या होती है? सिक्योरिटी परमिशंस जो इसके अंदर, इस फाइल के, इसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं उनपे जो राइट्स हैं वो करने के लिए, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मेरा जो अकाउंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, सेट एल, ठीक है, तो मेरा जो अकाउंट है वो पीयूष के नाम से है, मैं इस कंप्यूटर पर पीयूष के नाम से लॉगिन हूँ, ठीक है। अगर आप इस फोल्डर पे आओगे, पर्टिकुलर इस फोल्डर पे आओगे, तो अगर आप शेयरिंग परमिशंस देखोगे, शेयरिंग परमिशंस में एडवांस पे जाओगे, परमिशंस पे आओगे, तो यहाँ पर पीयूष अभी सिर्फ एचआर वाले में है, बट शेयरिंग काम नहीं कर रही क्योंकि मुझे लॉग ऑफ लॉग इन करना है, ठीक है। बट अगर मैं सॉरी, अगर मैं इस सिस्टम पे ही, उस सिस्टम के फिजिकली मैं उस सिस्टम पे अवेलेबल हूँ और उस सिस्टम पे एचआर फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं अंदर जा पा रहा हूँ। क्यों जा पा रहा हूँ? क्योंकि सिक्योरिटी परमिशंस है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी में पीयूष एडिड है, ठीक है। अगर मैं पीयूष को यहाँ से सिक्योरिटी में हटा देता हूँ, ठीक है, एडवांस पे आता हूँ, एडवांस पे आने के बाद यहाँ पर देखता हूँ कौन है इसका ओनर, पीयूष है ओनर। इस फोल्डर को बनाया किसने? पीयूष ने। अगर मैं यहाँ पर इस को ओनर सिर्फ चेंज करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं ओनर हूँ किसी भी फोल्डर को, तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ओनर रिप्लेस कर दिया पीयूष की जगह पे, और किसको बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर, और रिप्लेस ओनर एंड सब कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। क्या हुआ यहाँ पर कि जितने भी ओनर सिर्फ अंदर फोल्डर्स की हैं सबको इसने रिप्लेस भी कर दिया, कि हाँ पीयूष को रिप्लेस करके उसने एडमिनिस्ट्रेटर को ओनर बना दिया हर जगह। अब क्या है, अगर मैं पीयूष को यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो अब इस फोल्डर के ऊपर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर चला जा रहा हूँ। मैं अगर इस पे लॉग ऑफ और लॉग इन करता हूँ तो मैं इस फोल्डर के ऊपर नहीं जा पाऊंगा अंदर, ठीक है। क्यों नहीं जा पाऊंगा? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी परमिशंस अपने नाम की हटा दी है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप सिक्योरिटी। अब अगर मैं इसको लॉग ऑफ लॉग इन करता हूँ, ठीक है, एक बार लॉग ऑफ लॉग इन करके आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं इसको लॉग ऑफ लॉग इन कर लेता हूँ और फिर से मैं इसको रिमोट लेता हूँ, क्योंकि लॉग ऑफ लॉग इन इसलिए जरूरी होता है, क्या होता है, कर्बोरोस टोकन फिर से मुझे मिलेगा, मतलब मैं किस ग्रुप का मेंबर हूँ, ठीक है, तो सिक्योरिटी टोकन में वो सारी चीजें फिर से ऐड हो जाएंगी, ठीक है, इसलिए लॉग ऑफ लॉग इन जरूरी होता है, ठीक है। अब ये जो कर्बोरोस टोकन मुझे मिला है उसमें जो मेरी मेंबरशिप ऐड हुई है वो सारी चीजें फिर से आ गई। अब क्या है, अगर मैं इसको शेयर पाथ ओपन करता हूँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया। अगर मैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मैं रीड ओनली है। अगर मैं इसमें जो है ना कोई फाइल एडिट करना चाहूंगा, कोई फोल्डर बनाना चाहूंगा, तो मुझे परमिशंस नहीं है, ठीक है। ये क्या शेयरिंग पे काम कर रहा है। अगर मैं इसको फिजिकली फिर से एक्सेस करता हूँ, अब मैं फिजिकली जा रहा हूँ, ठीक है, पहले शेयर के थ्रू गया था, अब अगर मैं फिजिकली जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिजिकली मैं सारी चीजें एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्यों एक्सेस कर पा रहा हूँ वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जबकि जो मैंने अपने आप को हटा दिया था परमिशंस, कि मेरे पास कोई परमिशंस नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं परमिशंस रह गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलाउ यूजर्स, ठीक है, यूजर्स मतलब अलाउ यूजर्स रीड एंड एग्जीक्यूट, परमिशंस मिली हुई है। यूजर्स कौन हो गया, मैं भी एक एडी का यूजर्स हूँ। यहाँ पर कौन से यूजर्स हैं, इस डोमेन के अंदर जो यूजर्स हैं उनको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशंस मिली हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या है, इनको अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है, अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो मैं भी नहीं इसके ऊपर एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देख रहे हो आप रीड यूजर्स को, ठीक है, मैं यूजर्स को हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, यू कैन नॉट रिमूव यूजर्स बिकॉज द ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस परमिशन इज पेरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट से मिली हुई है। पेरेंट कौन है इसका, एचआर का पेरेंट कौन है, ये ड्राइव है, ठीक है, इस ड्राइव से इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है, तो मुझे ड्राइव से हटानी पड़ेगी परमिशंस यूजर्स पे। आप देख रहे हो यूजर्स पे इसको एडवांस परमिशन मिली है सारे यूजर्स को, ठीक है। अब जैसे अलाउ एवरीवन, ठीक है, इसको भी मिली हुई है कि एवरीवन को परमिशंस मिली हुई है। बट अगर आप कभी भी इसमें से कोई चीज रिमूव करते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसको
मतलब अगर आपने सभी अकाउंट्स को रिमूव कर दिया तो फिर आप एक्सेस कैसे करोगे, ठीक है? तो वो थोड़ा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये वाला जो है ना, जो अलाउ यूजर्स है वो इसी फोल्डर पे चाहिए और इसके फाइल्स पे नहीं चाहिए ये परमिशंस, ठीक है? तो यहाँ पर आप चेंजेस पे क्लिक करोगे, चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाली परमिशन पे एग्जीक्यूट वाले पे आओगे, तो मुझे दिस फोल्डर ओनली चाहिए, मतलब जो यूजर्स है वो दिस फोल्डर के ऊपर, मतलब ई ड्राइव के फोल्डर के ऊपर ही कर पाए, अंदर ना कर पाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, ठीक है, दिस फोल्डर कर दिया है। और अगर मुझे यहाँ पर करना है दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर, क्रिएट एंड अपेंड, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये भी करे, क्रिएट एंड अपेंड भी कर पाए, ठीक है, यूजर्स कोई भी, अगर मेरा डेटा सेंसिटिव है तो मैं नहीं चाहता कि वो कर पाए, तो यहाँ पर भी मैं दिस फोल्डर ओनली कर दिया, ठीक है, एवरीवन पहले से दिस फोल्डर ओनली है, तो इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब क्या होगा कि अब अगर मैं पीयूष को देखूं तो ये देखिए, ये मैं नहीं जा पा रहा हूँ, यू डोंट हैव द करंटली परमिशन एक्सेस दिस फोल्डर, ठीक है, अब भी मेरे पास कोई परमिशंस नहीं है, क्योंकि क्या है, मैं डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एज अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर एक पावरफुल अकाउंट होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से मेरे अकाउंट को ऐड कर दिया है, बट एक नॉर्मल यूजर के लिए ये करना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूं चल के एक पेपर पे यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को भी समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स क्या हो गए, हमारे यूजर्स हो गए, ठीक है, यूजर्स डोमेन के ग्रुप्स हो गए, ठीक है, जो रिकमेंडेड होता है कि आप ग्रुप्स को ऐड करो, ग्रुप्स के अंदर यूजर्स को ऐड करो, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, और हमारे क्या एवरीवन हो गया, ये भी सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स में आ जाएगा, और ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर और एवरीवन में दोनों में डिफरेंस होता है, और ऑथेंटिकेटेड मतलब हो गया जो क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करके एक्सेस करेगा, एवरीवन मतलब कोई भी आपके नेटवर्क में होगा वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। परमिशंस क्या होती है, हमारी तीन टाइप की परमिशंस होती है, रीड राइट और फुल परमिशंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पर एक चार फोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर और भी सब फोल्डर्स थे, ठीक है, उसके अंदर और भी सब फोल्डर थे, अगर मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ, एचआर रीड करके ग्रुप था जिसको, राइट करके ग्रुप था जिसको मैंने परमिशन दी यहाँ पर, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप इनहेरिटेंस हो जाएगा, मतलब उसकी परमिशंस ऊपर से नीचे तक चली जाएंगी, सभी फोल्डर्स पे बराबर बराबर परमिशंस मिल जाएगी जो ऊपर मैंने दिया है, ठीक है। एक्सप्लिसिट परमिशंस क्या होता है, पर्टिकुलर अगर मैं किसी फोल्डर पे एक्सप्लिसिटली परमिशंस दे रहा हूँ, मान लो ऊपर से मुझे नहीं देना है, यहाँ से मैंने एक नया ग्रुप बनाया एचआर बीयू डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस दिया है, तो मतलब उसको एक्सप्लिसिट मैंने इस फोल्डर पे एक्सेस दी है, ठीक है, तो ये वाला जो इसके जो यूजर्स होंगे वो इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफेक्टिव परमिशंस क्या होती हैं और इसको हम बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं एनटीएफएस और शेयर परमिशन। एनटीएफएस परमिशन होती है हमारी सिक्योरिटी परमिशन जो मैंने अभी आपको बताया, शेयर परमिशंस क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कंबाइन एंड कंबाइन शेयर एंड एनटीएफएस परमिशंस और इफेक्टिव परमिशंस, हम इन दोनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या है दोस्तों कि मान लीजिए अगर ये फोल्डर है हमारा एचआर, ठीक है, इस पे मैंने राम को शेयर परमिशन और सिक्योरिटी परमिशन, दो सिक्योरिटी परमिशन होती है, यहां पर मैंने राम को रीड की परमिशन दी है, ठीक है, और यहां पर मैंने राम को फुल परमिशन दिया, फुल परमिशन दी हुई है, ठीक है। जो हमारी इफेक्टिव परमिशन होंगी वो इन दोनों को कैलकुलेट करके, ठीक है, बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव परमिशन लिख के आएगी वो रीड आएगी, ठीक है, रीड इसलिए आएगी क्योंकि क्या है कि जो लीस्ट परमिशन है ना वो इफेक्टिव होती है हमेशा, जो लीस्ट सबसे कम परमिशन होती है वो इफेक्टिव होती है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए जो सबसे कम क्या है इन दोनों में, रीड है, ठीक है, रीड है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो
श्याम को हमने जो है ना रीड एंड राइट की परमिशन दी हुई है यहाँ पर, और श्याम को हमने रीड की परमिशन यहाँ पर दी हुई है, रीड की परमिशन। ठीक है, जो ये इफेक्टिव परमिशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर रीड की होगी। ठीक है, जो सबसे कम परमिशन होती है वो अप्लीकेबल होगी। ठीक है, जो सबसे कम परमिशन होगी वही अप्लीकेबल होगी, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको जो परमिशन देनी है वो लीस्ट प्रिविलेज परमिशन देनी है। ठीक है, ओनली ग्रांट द मिनिमम परमिशन नेसेसरी फॉर यूजर्स एंड ग्रुप टू परफॉर्म देयर रिक्वायर्ड टास्क, अवॉइड गिविंग फुल कंट्रोल आर एग्जीक्यूटिंग परमिशन अनलेस एब्सोल्युटली अननेसेसरी। ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस, सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है, यूज सिक्योरिटी ग्रुप टू मैनेज, जैसे मैंने एचआर वाला एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, एचआर रीड और एचआर राइट। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप को आप यूज करो परमिशंस देने के लिए। ठीक है, परमिशंस देने के लिए, ठीक है, और हमेशा किसी भी फोल्डर के ऊपर परमिशंस देते हो तो डोमेन लोकल ग्रुप को देना चाहिए। ठीक है, डोमेन लोकल ग्रुप यूज करना चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिव्यू करो आप परमिशंस की। रिव्यू करने के लिए क्या है, एक पहला है पीएस स्क्रिप्ट, ठीक है, पावर सेल स्क्रिप्ट है। ठीक है, और एक टूल आता है हमारा फाइल ट्री। ठीक है, ये पहले फ्री आता था, अभी थोड़ा सा पेड वर्जन आने लगा इसका, 300 कुछ रुपए का है, 300 कुछ रुपए का, तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पीएस स्क्रिप्ट मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, उसके थ्रू आप सारी परमिशंस को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे इस पे काम चल रहा है, हमें 1-2 महीने लगेंगे इसके ऊपर कि मैं इसको ईएक्सई में बनाऊं, ताकि आप ईएक्सई रन करो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पुट करो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सोर्स कोड दूं, क्योंकि सोर्स कोड में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती, कोई भी उसमें इनपुट कर सकता है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, बिकॉज एन अबाउट गिविंग द रेगुलर यूजर्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ऑन द फोल्डर और फाइल, यूज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टास्क। ठीक है, मैंने वही बताया कि आपने जैसे यहाँ पर रीड एंड राइट के दो ग्रुप बनाए हुए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी ग्रुप बना सकते हो जिसमें आपको फुल देनी हो, फुल एचआर, फुल एडमिन, या फिर आईटी फुल एडमिन, आईटी वाले के पास वो अपना फोल्डर यूज करके उसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, शेयर एंड एंटीफेस परमिशन, शेयर एंड एंटीफेस परमिशंस, ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये अगर हम एचआर फोल्डर को ओपन करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर दो टाइप की परमिशन होती है, एक शेयरिंग परमिशन होती है, दूसरी सिक्योरिटी परमिशन होती है। सिक्योरिटी परमिशंस क्या हो जाती है कि मान लो कि अगर हमें ये फोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है, अगर ये फोल्डर्स के ऊपर मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ जो, ठीक है, अभी तो ये जो हम अंदर जा रहे हैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करके जो अंदर जा रहे हैं, ये सिक्योरिटी परमिशंस होती हैं। शेयरिंग परमिशंस क्या होती हैं, अगर मैं इस शेयर पाथ के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, ये हो जाती है हमारी शेयरिंग परमिशन, और वो हो जाती है हमारी सिक्योरिटी परमिशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर मैं इनहेरिटेंस, क्या होता है कि यहाँ पर एडवांस, अगर आप एडवांस पे आके किसी भी यूजर्स को एक्सेस देना चाहते हो सिक्योरिटी परमिशन में, ठीक है, एचआर रीड को मुझे परमिशंस देनी है, एचआर रीड वाले को, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, अलाउ, ठीक है, अलाउ करना है आपको, और यहाँ पर आप सब देख सकते हो दिस फोल्डर, यानी दिस फोल्डर मतलब एचआर के ऊपर ही परमिशन देनी है, या दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल्स पे देनी है। ठीक है, ये हो गए इनहेरिटेंस वाली परमिशन कि वो पूरा अंदर तक परमिशन दे देगा। ठीक है, दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर, तो उसके उसके बाद बाद आप दिस फोल्डर और सब फोल्डर्स पे भी दे सकते हो, दिस फोल्डर एंड फाइल्स के ऊपर भी दे सकते हो, सब फोल्डर एंड फाइल्स ओनली पे भी दे सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है ऑप्शन दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स, मतलब सारी चीजों पे आपने एक्सेस दे दी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सो एडवांस परमिशंस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये परमिशंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर अगर फुल कंट्रोल अगर आप दे देते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर फोल्ड, ये पर्टिकुलर ग्रुप इस फोल्डर का
इसको फुल कंट्रोल है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप रीड एट्रीब्यूट्स देख रहे हो गए, रीड एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स देख रहे हो गए, रीड परमिशन देख रहे हो गए, ठीक है। रीड परमिशन मैंने बताई दी आपको, राइट परमिशन, राइट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये बहुत सारी टाइप की परमिशंस होती हैं, जनरली जो हम यूज करते हैं वो रीड करते हैं, ठीक है। आप किसी को डिलीट परमिशन देना चाहते हो, डिलीट परमिशन डिलीट देना चाहते हो, डिलीट चेंज परमिशन देना चाहते हो, चेंज, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर जैसे रीड एंड राइट एट्रीब्यूट्स देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो वो इस एट्रीब्यूट्स को रीड कर सके। जैसे आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हो, ठीक है, आप चाहते हो इस फाइल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो रीड कर सके, उस फाइल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से दे सकते हो। अब एग्जीक्यूट फाइल, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल एग्जीक्यूट कर सकूँ किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, तो आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये आप इतना करोगे तो ये इनहेरिटेंस अपने आप लग जाएगा, किसके लिए, एचआर के लिए। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है कि एचआर के लिए इनहेरिटेंस लगा या नहीं लगा। मैंने यहाँ से दिया है इनहेरिटेंस, मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेन फोल्डर है उसके नीचे से काम करता है, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर वाले पावर सेल वाले फोल्डर पे क्लिक करूंगा और इनहेरिटेंस चेक करता हूँ कि एचआर को मिला या नहीं मिला, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एचआर को इनहेरिटेंस मिला है। कहाँ से इनहेरिटेंस चालू हुआ है, ई एचआर के फोल्डर से चालू हुआ है, ठीक है। ई नहीं लिखा है क्योंकि ई पे मैंने नहीं दिया है, ई पे जहाँ जहाँ से मिला हुआ है जिस जिसको वो ई लिखा हुआ है, मैंने कहाँ से दिया, एचआर से। तो इसने कहाँ से चालू किया, ई स्लैश एचआर, ठीक है। मतलब इनहेरिटेंस कहाँ से चालू हुआ है, एचआर किसके लिए, एचआर वाले ग्रुप के लिए। ये देखो आप यहाँ पर अलाउ देख सकते हो कौन है, एचआर आर। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आप अगर डिसेबल इनहेरिटेंस करना चाहते हो, डिसेबल इनहेरिटेंस भी कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस फोल्डर के ऊपर डिसेबल इनहेरिटेंस करना है, मैं नहीं चाहता कि एचआर वाले को यहाँ पर परमिशंस लगे, ठीक है। तो मैं डिसेबल इनहेरिटेंस, जिसको भी आप डिसेबल करना हो आप डिसेबल इनहेरिटेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको पहले देख लेता हूँ कि इस फोल्डर के ऊपर किसको, एचआर वाले को मिल रही है परमिशन, बट मैं नहीं चाहता कि इस फोल्डर पे एचआर को रहे, तो मैं इसको रिमूव ऑल इनहेरिटेंस परमिशन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिमूव ऑल इनहेरिटेंस मतलब जो भी ऊपर से परमिशन आ रहे हैं सारी हट जाएंगी, या पर्टिकुलर एचआर के लिए हटाना चाहो, कन्वर्ट इनहेरिटेंस परमिशन फॉर एक्सप्लिसिट परमिशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कर दिया ओके। अब मैं अगर इस फोल्डर पे इसको रिफ्रेश करके अगर मैं इस फोल्डर पे फिर से आता हूँ, अब हम इसकी सिक्योरिटी परमिशन पे देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी इनहेरिटेंस हो रहे थे सारे के सारे ब्लॉक हो गए, ठीक है, ठीक है, सारे के सारे रिवर्ट हो गए। तो अब क्या है, अगर कोई एक्सेस करना चाहेगा इस फोल्डर को, एचआर वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि परमिशंस आ नहीं रही है, ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस आ नहीं रही है। सिक्योरिटी परमिशंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसका इनहेरिटेंस बंद कर दिया सारे के सारे यूजर्स के लिए। अगर आप इनहेरिटेंस फिर से इनेबल करना चाहते हो तो आप इनहेरिटेंस यहाँ से इनेबल कर सकते हो और इसको अप्लाई करोगे और ओके करोगे तो इनहेरिटेंस फिर से मिल जाएगा। बट रियल प्रोडक्शन में मैं आपको बोलूंगा कि आप इन चीजों को ना करें, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको ये हटाना पड़ेगा नन वाले को, ठीक है। ऊपर से इनहेरिटेंस भी लग गया और ये यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर भी जो इसके अंदर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, अगर आईटी के अंदर मान लो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर भी यहाँ की जो परमिशंस रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशन इंटायर विद द इनहेरिटेंस परमिशन इंटायर फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्लिक कर दो तो अंदर जितने भी फोल्डर्स इसके होंगे वो यहाँ पे इस फोल्डर पे जो परमिशन हो रही होंगे इनहेरिटेंस वो लग जाएंगी जाके, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इसमें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो